उत्तराखंड के कालाढूंगी में टिकट न मिलने पर बागी हुए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट कल अपना नामांकन वापस लेंगे। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष गजराज बिष्ट को मनाने के लिए पार्टी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गजराज बिष्ट के आवास पहुंचे और उनसे कालाढूंगी सीट पर अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया। बंद कमरे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के बागी नेता गजराज बिष्ट के बीच बातचीत चली, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने गजराज बिष्ट से चुनाव न लड़ने का आग्रह किया है, जिसके बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए गजराज बिष्ट ने अपना नामांकन वापस लेने की बात कही है। बता दें कि बीते शनिवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गजराज बिष्ट ने पार्टी की तरफ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के दखल के बाद वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। में प्रदेश के महामंत्री भी रहे, मंडी परिषद के हमारे अध्यक्ष रहे, हम सब उनको बहुत लंबे समय से उनके योगदान को जानते हैं। उन्होंने नामांकन किया है और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जनहित में कालाढूंगी की जनता आपको चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर बंसीधर भगत जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो आप एक बार हमारे अनुरोध पर और अपना नामांकन वापस ले लीजिए।